एंड द फार्माकोलॉजी फॉर दी हम फोर्थ सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लो अडवाइजिंग दिस लिंक सो नाउ डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो ओपॉइड एनालिसिक्स की बात करें जिसमें आपके मॉर्फिन डरेप्टिव आते हैं मॉर्फिन कोडिन हीरोइन पैथेडीन फंटानील वगैरह ये सब जो ड्रग हैं ओपॉइड रिसेप्टर्स पर काम करते हैं और उनके थ्रू अपना एनाजेसिक एक्टिविटीज शो करते हैं तो बात करें हम लोग एंटेगोनिस्ट की जिसको हम ओपॉइड रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं सो तो दीज ड्रग्स Uh, which completely antagonize the effect of opioids by blocking the specific opioid receptors are known as the narcotic antagonist or opioid receptors blocker and having the great affinity than the opioids. But in case of affinity, hai, वो आपके ओपरेट्स भी बेहतर होती है इसलिए कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो ओपोरेट का इफेक्ट है वो ना आ सके बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो एक तरीके से मॉरफिन एंड लॉग ही है मॉर्फिन के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है बट उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम उसको एंटागोनिस्ट की तरह काम कर सकते हैं तो बात करें हम लोग इनके रिसिप्टर्स की तो बेसिकली मार्टिन एंड गिलबर्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नाइनटीन सेवेंटी सेवन पर ही इन जो रिसेप्टर्स को पासलेटेड किया था और इसे डिस्क्राइब किया था कि ये मेजरली थ्री टाइप के होते हैं म्यू रिसेप्टर्स कापर रिसेप्टर्स और डेटर रिसेप्टर्स जो म्यू रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली आपके एनालिस्टिक्स सेडिसन एडिक्शन यूफोरिया रेस्पराटरी डिप्रेशन एंड रेडियज जयमोडिलिटी में काम करता है उसके अलावा म्यूसिस भी करता है ये पीपल को भी कंस्ट्रिक्ट करता है तो ये बेसिक उनके फॉर्मोटोलॉजिकल एक्शन हो गए एनालिशिया को छोड़ के बाकी जो इफेक्ट हैं वो आपके साइड इफेक्ट्स की तरह ही हैं जो कि अपना काम का नहीं है बात करें इन रिसेप्टर्स की जितने भी ओपोर रिसेप्टर्स हैं वो आपके जी आई पी सी आर के थ्रू काम करते हैं जी पी आर रिसेप्टर्स होते हैं जो अल्टीमेटली साइकिलिक एमपी पाथवे को इनहिबिट करते हैं कैल्शियम कंडक्शन को इनहिबिट करते हैं और पोटेशियम कंडक्शन को आपके बढ़ाते हैं ठीक है तो ये बेसिकली आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है फिर आते हैं कापर रिसेप्टर की ओर तो कापर जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली स्पाइनल एनर्जेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीरसम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये आपके डिस्फोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है कापर रिसेप्टर्स ही एक तरीके से डिस्प्रेस डिस्परिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनपोर रिसेप्टर्स में और ये रेस्पराटरी डिप्रेशन नहीं करता है जो कि इसकी अच्छी बात है ठीक है साथ में एडिक्शन भी नहीं करता है बाकी ये जो ड्रग हैं इसके लिए हैं यूफोरिया के लिए हैं ठीक है अपर रिसेप्टर्स जो डेल्टा है वो आपके जैसिया एडिक्शन और एंटी डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपका जो लास्ट है वो नया है वो आपका है सिग्मा रिसेप्टर्स जो एक तरीके से हेलूसिनेशन कॉज करता है और रेस्पराटरी स्टमलेसन के काम करता है तो ये डिफरेंट हैं आपके गामा रिस, सिग्मा रिसेप्टर्स की अब आते हैं ड्रग की एंटागोनिस्ट की तो ये आपका है आपका प्योर एं, एंटागोनिस्ट मतलब कि कम्प्लीटली प्योर एंटागोनिस्ट है ये पूरे रिपोर्ट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं वो है आपका नोलॉक्जन ठीक है तो नोलॉक्जेन आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है फिर आते हैं पार्सल एंटागोनिस्ट की तो पार्सल एंटागोनिस्ट मतलब वो पार्सली ब्लॉक करते हैं फुल्ली ब्लॉक नहीं करते हैं मतलब कुछ इफेक्ट उसमें आ सकते हैं जैसे कि बात करें हम लोग नोल और लेवलोरफिन तो ये जो दो ड्रग हैं वो आपके पार्सली एंटागोनिस्ट हैं फिर बात करते हैं पार्सली एगोनिस्ट की तो पार्सली एगोनिस्ट भी एक तरह से एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है ये आपके जो मेन इंडोजिनियस कंपाउंड्स हैं या मॉर्फिन हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है पार्सली का मतलब है कि वो फुल मैक्सिमम इफिकेसी या इफेक्टिवनेस शो नहीं करता है रिस्पॉन्स शो नहीं करता है वो हाफ या मतलब लेस देन 100 परसेंट से शो करता है तो अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट है वो आपको कम ही मिलेगा आपके प्योर एगोनिस्ट के कंपेरिजन पे ठीक है तो इसलिए हम इसको पार्सल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं इन ड्रग्स को इसमें आते हैं आ, पोरीप्रेम एंड प्रोफेडोल तो ये दो ड्रग हैं जो कि पार्सल एगोनिस्ट हैं तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं तीन ड्रग के बारे में आपको मेनली पढ़ना है इनका जो बेसिक यूज़ क्या है आपके ओपोइड ओवरडोज जब ओपेड की ओवरडोज हो जाती है तो उसके इफेक्ट को उसके साइड इफेक्ट्स को जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सीडिसन एडिक्शन यूफोरिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन डिड्यूज जियामोटिलिटी एंड पीपिल कॉन्स्ट्रिक्शन मायोसिस के इफेक्ट को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं जियामोटिलिटी कम करने की वजह से इसको हम डायरिया में यूज कर सकते हैं इसका एक तरह का सेकेंडरी इफेक्ट है आपके ओपोइड ओपोइड मॉर्फिन डरेटिव का ठीक है तो बेसिकली इसके अलावा हम इसको जो यूज़ है हम इसका जो यूज़ है ओपोइड एडिक्शन में भी कर सकते हैं क्योंकि एक तरीके से ओपोइड एडिक्शन में भी इस कर सकते हैं क्योंकि जो ये एक तरीके से रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे और इफेक्ट को सब मैक्सिमल ले आएंगे तो अल्टीमेटली आपको एडिक्शन धीरे धीरे कम होगा आज सो यूज ट्रीटमेंट ऑफ द एल्कोहल एडिक्शन एल्कोहल के एडिक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये इनका बेसिक यूजेस हैं जितने भी आपके नार्कोटिक एंटागोनिस्ट हैं उनका ओवरऑल अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ड्रग की और वो है आपका नलोरफिन तो मॉर्फिन डेरिवेटिव ही है कम्प्लीटली मॉर्फिन स्ट्रक्चर जैसा ही होगा ठीक इसमें भी थ्री और सिक्स पे ऑल होगा ये मॉर्फिन है फोर और फाइव पे इपॉक्सी होगा ठीक है आपके इस जो यहाँ पे एन मिथाइल ग्रुप था सेवनटीन पोजिशन पर जो एन मिथाइल ग्रुप था वो वहाँ पर आपका एलाइल ग्रुप होगा इस एलाइल ग्रुप होने की वजह से वो कम्प्लीटली एंटागोनिस्टिक तरह तरह की तरक्त काम करता है तो ये आपका है सेवनटीन एलाइल सेवन एट डाई हाइड्रो यहाँ पे सेवन एट पर डाई डी हाइड्रो फोर फाइव पे इपॉक्सी मॉरफेन थ्री सिक्स डाई ऑल तो अंतर क्या था केवल आपके जो यहाँ पे सेवेंटीन मिथाइल था बाकी यहाँ पे एलाइल है बाकी मॉर्फिन जैसा ही है जो मोड ऑफ एक्शन है वो एक तरीके से म्यू रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं लेकिन ये कापर रिसेप्टर्स को एगोनिस्ट या एक्टिवेट कर सकते हैं तो मेनली इम्यून सेक्प्टर ब्लॉकर हैं बट कापा को एग्नेश की तरह काम करते हैं यूज़ किस में है आपके मॉर्फिन और ओपोइट ओवर में ही हम यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट ड्रग है आपका लियोरफिन लियोरफेन ठीक है टाइट्रेड जो लियोरफेन है वो एक तरीके से आपका मॉर्फिन रिंग है ये मॉर्फिन रिंग है है ना इस पर मॉर्फिन पे थ्री पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और सेवनटीन पे एलाइल है बाकी ये नोलॉर्फिन की तरह ही है तो आपके सेवनटीन पे जो है सेवनटीन पे एलाइल है मॉर्फेन थ्री ऑल ठीक है ये मॉर्फेन रिंग है सेवनटीन पे एलाइल और आपके थ्री पे ऑल ठीक है तो ये बेसिकली आपके सिमिलरली नोलॉर्फिन की तरह ही आपका जो ल्योरफेन है वो आपके म्यू ब्लॉकर और कापा एगोनिस्ट की तरह काम करता है जो यूज़ है इसका हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज बाई द नार्कोटिक ओवरडोज इसका भी यूज़ हम नार्कोटिक ओवरडोज में करते हैं थर्ड ड्रग है वो है आपका नोलगजोन ठीक है तो जो नोलगजोन है वो आपके एक तरीके से भी मॉर्फेनॉन मौ, डेरेवेटिव है एक तरीके से ये ये मोरफेनॉन डेरेवेटिव है यहाँ पे फोर्टीन पे हाइड्रोक्सी है, है और आपके जो सिक्स पोजन पे ऑक्सी ग्रुप है इसलिए ये मॉर्फेनॉन डेरेवेटिव हैं और सेवनटीन पे भी एलाइल है तो इसलिए फोर फाइव ईपॉक्सी थ्री फोर डाई हाई थ्री फोर डाई हाइड्रोक्सी यहाँ पे थ्री पे है और यहाँ फोरटीन पे है सॉरी यहाँ पे फोर नहीं होगा ये होगा फोरटीन फोर्टीन हाइड्रोक्सी सेवनटीन पे सेवनटीन पे क्या है सेवनटीन पे प्रॉप टू इनाइल या एलाइल भी बोल सकते हैं ठीक है और ऑन तो ये बेसिक नॉम है बात करें ये प्योर एगोनिस्ट है मतलब ये आपके म्यू डेल्टा और कापा तीनों को ब्लॉक कर सकता है म्यू में एफिनिटी हाई होती है देन डेल्टा देन कापा इसका जो यूज है हम करते हैं यूज नार्कोटिक ओवरडोज डोज में एंटीडोट फॉर द क्लोनिडिन इसके अलावा यूज अलॉन्ग विद द ओपोइड टू रिड्यूस द नारकोटिक साइड इफेक्ट्स तो नार्कोटिक साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम इसको ओपोइड के साथ में देते हैं ताकि जो साइड इफेक्ट्स हैं चाहे विस्पार्टिक डिप्रेशन हो आपके म्यूसिस हो आपके यूफोरिया हो वो कम हो सके सो दिस आर द बेसिक मर्डल केमिस्ट्री ऑफ द नार्कोटिक एंटागोनिस्ट एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड एंड न फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस इन लास्ट थैंक यू कीप वाचिंग